वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरकारी गाड़ी के टायर बदलने के लिए महकमा खजाना पंजाब से 2,73,00,000 रुपए तलब कर लिए गए हैं। इस हवाले से वजीर इत्तला पंजाब उजमा बुखारी का कहना है कि सरकारी गाड़ी के लिए ग्रांट तलब करना मामूल की बात है। इनका कहना था कि मायने के दौरान मालूम हुआ है कि टायर अक्टूबर 2022 में आखिरी बार तब्दील हुए, उस वक्त भी कीमत 2 करोड़ से ऊपर थी। अब सवाल ये है कि इस वक्त जब वतन अजीज की सिसकती मईशत का जो हाल है, इसको देखते हुए सदर पाकिस्तान और कई वफाकी वज़रा ने अपनी तनख्वाह और मरात ना लेने का जो ऐलान किया है, अगर वो मरात और तनख्वाह ना भी लें तो ऐसी गाड़ी जिसके टायर ही 2.75 करोड़ के हैं, जो बमुश्किल 1 साल चलते हैं, वो लगाए जाएंगे तो इस सिसकती मईशत को ऑक्सीजन कौन फराम करेगा। दूसरी जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमात खत्म करके इन्हें रहा करने का मुतालबा किया है। आज पीटीआई की कोर कमेटी की जानिब से जारी होने वाले इलामिये के मुताबिक बानी चेयरमैन इमरान खान के मुकदमात के हवाले से कानूनी टीम ने कोर कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग दी। इलामिये में कहा गया कि तोशा खाना और साइफर जैसे झूठे ट्रायल के बाद उजलत में सुनाई जाने वाली सजाओं से इमरान खान को इंतकाम का निशाना बनाने के रियासती अजायम पूरी तरह आश्कार हो चुके हैं। इलामिये में कहा गया है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान को गैर आइनी सजाओं के अदालती फैसलों के खिलाफ अपीलों की कार्रवाई को बिला जवाज ताखीरी हरबों की नजर किया जा रहा है। इलामिये में मजीद कहा गया है कि पानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात की कार्रवाई को आइनी व कानूनी तकाजों के तहत आगे बढ़ाते हुए इन झूठे केसेस का खात्मा करके बानी चेयरमैन की रिहाई के अहकामात जारी किए जाएं। पीटीआई की कोर कमेटी ने पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल गैर आइनी करार देते हुए कहा कि 8 फरवरी के बाद नए सिरे से अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर तहरीक इंसाफ की आइनी नशिस्तें छीन कर गैर कानूनी तौर पर नून लीग को दी जा रही है, जिनकी हम मजम्मत करते हैं।